गुड मॉर्निंग बच्चों, ये जो वर्कशीट है ये 27th वर्कशीट है और ये मेरे ख्याल से 10 सितंबर को आई थी क्लास 9th की साइंस की। तो ये रह गई थी दो तीन वर्कशीट्स, उसको साथ साथ ही कर लेते हैं। हम टिश्यू का चैप्टर कर रहे थे, आपको पता है, और इसमें ज्ञान एज यू ऑलरेडी नो दैट एनिमल्स नहीं जिज्ञासा दी थी हाउ डू द सेल्स इन अ बॉडी वर्क एंड डू प्लांट सेल्स फंक्शन द सेम एज आर सेल्स वर्क। जिज्ञासा दीजिए ने क्या क्वेश्चन पूछा है, हाउ डू द सेल्स इन अ बॉडी वर्क, हमारी बॉडी में सेल्स वर्क कैसे करते हैं। ज्ञान एज यू ऑलरेडी नो दैट एनिमल्स एंड द प्लांट्स बोथ आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों कौन से हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मोर देन वन सेल्स आर फाउंड इन द ऑर्गेनिजम्स। दीज आर मेड अप ऑफ द मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स। ऑल सेल्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन। ये नहीं है हम अमीबा नहीं है कि जो एक ही अमीबा जो है वो खाना भी खा लेगा, ठीक है, वो वेस्ट भी बाहर निकाल देगा और वो सीडोपोडिया भी वो दिखा देगा अपने। तो वी आर नॉट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसकी वजह से हमारा एक सेल सारे काम नहीं कर सकता। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस आर कॉल्ड टिश्यूज। एक ही टाइप के सेल्स जो कि एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनको हम टिश्यूज कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं वो ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन मतलब हमारी बॉडी के पार्ट्स बनाते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं। हाथों से हम लिखते हैं, पैरों से हम चलते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शंस। तो प्लांट्स का फंक्शन अलग होता है और सेल्स का और एनिमल्स का अलग होता है। इवन उनके सेल्स भी अलग अलग होते हैं। आप लोगों ने बहुत बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम्स भी बना के दिए हैं प्लांट सेल के और एनिमल सेल के, कि उनकी जो मेम्ब्रेन्स अलग होती हैं, क्लोरोप्लास्ट अलग होते हैं, वैक्यूल्स अलग होते हैं, ये सब हम कर चुके हैं। तो एनिमल टिश्यूज जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एनिमल टिश्यूज आर लिविंग। एनिमल के टिश्यूज़ के जितने भी होते हैं वो जनरली सब लिविंग होते हैं। उनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और उनकी जो ग्रोथ होती है वो बैलेंस्ड होती है और यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। प्लांट टिश्यू की बात की जाए तो प्लांट्स डू नॉट शो लोकोमोशन। प्लांट्स जो हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं, सो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ जो होते हैं वो उनको सपोर्ट ही देते हैं। और ज़्यादातर उनके टिश्यूज़ जो होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं और उनको हमारे से लेस एनर्जी की ज़रूरत होती है। और कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जो उनकी लाइफ लॉन्ग जो हैं वो डिवाइड करते रहते हैं, जिसमें कि दो टाइप के टिश्यूज़ आ जाते हैं, मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ आ जाते हैं और परमानेंट आ जाते हैं। तो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ वो होते हैं विच कीप ऑन डिवाइडिंग, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सम डिवाइडिंग टिश्यूज़, जैसे कि प्लांट के जो एपिकल मतलब टॉप पे जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते रहते हैं, इसलिए प्लांट की जो ग्रोथ होती रहती है ऊपर, इनको मेरिस्टमैटिक टिश्यू कहा जाता है। इसमें तीन चीज़ें आती हैं, एपिकल मेरिस्टम मतलब जो कि बिल्कुल टॉप पे होते हैं जिनसे उनकी लंबाई बढ़ती है, इंटरकैलरी सिस्टम जो कि गन्ने में आपने देखा होगा नोड्स और इंटर नोड्स होती हैं जिससे कि पत्तियाँ उगती हैं, तो ये इंटरकैलरी सिस्टम होते हैं, और लेटरल मेरिस्टम जो कि प्लांट की चौड़ाई बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो ये तीन टिश्यूज होते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर टिश्यूज। तो टिश्यूज आर दोज टाइप ऑफ द सेल्स विच आर ऑफ द सेम फंक्शन एंड मोस्टली द सेम स्ट्रक्चर इज देयर। तो ये आंसर नंबर वन इधर आ जाएगा, राइट। टू डिफरेंस बिटवीन द प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज, आंसर नंबर टू ये आ जाएगा। और तीसरा है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यूज। तो एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल आ जाएगा। एंड वॉट आर दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़, कि दे कीप ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट देयर लाइफ। सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और काम अपना कंप्लीट कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।